हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं। मीन्स व्हाट, एक ही बार हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया था। आज के वीडियो चैनल ये देखने वाले हैं कि डबल डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं। डबल डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स एक बार डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आपको फाइनल आंसर मिलेगा उसका अगेन आप लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव्स। सो क्वेश्चन नंबर वन है वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स की जब बात होती है तो अंडर रूट एक्स के लिए इंडेक्स में फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स इज सिमिलर टू एक्स रेस टू वन अपॉन टू, बट इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई नहीं करना, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो सॉल्यूशन y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, वन अपॉन टू रूट एक्स। यह हमें क्या मिलेगा, इसका सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव्स, बिकॉज डेरिवेटिव का टर्म रिमूव हो गया, रूट का टर्म रिमूव होगा तो एक्स बचेगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स का तो वन, सो इसका डेरिवेटिव हो गया। अगेन हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सपोज अगर हमें वन अपॉन टू है, इसका मल्टीपल वन अपॉन एम के साथ करना है, तो ये हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन टू एम मिलेगा। तो हम लोग क्या है, वन अपॉन टू एम को वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एम लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। वो मेथड आई विल अप्लाई ओवर हियर। यहाँ पे क्या दिया है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या, वन अपॉन टू क्या कॉन्स्टेंट टर्म है, तो वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट टर्म डेरिवेटिव पहले आएगा d बाय डी एक्स ऑफ वन अपॉन रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो आप लोग यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करो, बट वो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये क्या अपॉन में है, तो हम लोग डायरेक्टली रूट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स नहीं लगा सकते बिकॉज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में। तो पहले से क्या करोगे, आप लोग न्यूमरेटर में लोगे, न्यूमरेटर में लेने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जो फंक्शन है यहां पे आप क्या करोगे, इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, d बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन टू डी बाय डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स रेस टू वन बाय टू। अब यहां पे वन बाय टू क्या फ्रैक्शन में, इसको हम लोग ऊपर लेंगे, तो उसके लिए हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा इंडेक्स में, ए रेस टू माइनस एम, ये क्या होता है, वन अपॉन ऑफ ए रेस टू एम। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर निगेटिव होगा, और अगर नीचे निगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, तो इसको ऊपर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन टू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे क्या है, निगेटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स है, तो इसको ऊपर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन टू। अब यहाँ पे क्या करें, एक्स रेस टू इनका फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये क्या, वन अपॉन टू, वन बाय टू एज इट इज कॉपी करें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन टू। सो डेरिवेटिव में एक्स रेस टू एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन अपॉन टू क्या होगा, पीछे आएगा, इन टू एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, तो यह हमें माइनस 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 वन अपॉन फोर एक्स रेस टू। अब यह क्या फ्रैक्शनल टर्म है, फ्रैक्शनल टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स वन है, वन वन जा वन, टू वन जा टू अपॉन टू वन जा टू, तो ये हमें क्या मिला, माइनस थ्री अपॉन टू, तो फ्रैक्शन में क्या है, माइनस थ्री अपॉन टू। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके फर्दर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप एग्जाम में यहाँ तक लिखें तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज माइनस वन अपॉन फोर इंटू, इसको अपॉन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू थ्री अपॉन टू, तो
तो इसके लिए इंडेक्स का एक फार्मूला होता है, इन डेट फार्मूला, अगर इस पार्ट को ही एक्सटेंड करते हैं तो अगर यहाँ पे एम होता है और अंडर रूट एक्स रेस टू एन होता है तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू यहाँ पे जो वन था वो अंदर का था और यहाँ पे टू डिनोमिनेटर का था, तो एम क्या होगा नीचे आएगा, तो एन अपॉन एम होगा। तो यहाँ पे क्या थ्री क्या है, इसके पावर में आएगा टू, अंडर रूट में जाएगा, तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर इन टू वन अपॉन अंडर रूट, जो यहाँ पे टू है वो यहाँ के लिए है, अपॉन का टर्म यहाँ पे आएगा और एस एस टू थ्री यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन फोर अंडर रूट एक्स एस टू थ्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम में यहाँ तक भी लिखें तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर टू इज y इक्वल टू एक्स रेस टू फाइव, इसका डेरिवेटिव करना, तो यहाँ पे क्या x रेस टू n का फार्मूला अप्लाई होगा। x रेस टू n का फार्मूला क्या होता है, n पीछे आता है, यहाँ पे n माइनस वन होगा, तो यहाँ पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। सो y इक्वल टू एक्स रेस टू फाइव, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स, और पहले क्वेश्चन को लिखेंगे x रेस टू फाइव, यहाँ फार्मूला क्या, तो फाइव एक्स रेस टू फाइव माइनस वन, सो ये क्या होगा फाइव एक्स रेस टू फोर, ये हमें क्या मिला इसका सिंगल डेरिवेटिव, अब क्या करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव, सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा हमें डी वाई अपॉन डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ फाइव कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फोर, तो ये हमें डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव इन टू, बिकॉज यहाँ पे एक और टर्म है, तो फोर क्या होगा आगे आएगा, तो फोर एक्स रेस टू फोर माइनस वन, फाइव फोर जा ट्वेंटी एक्स रेस टू थ्री, तो हमें यहाँ पे क्या मिला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी एक्स रेस टू थ्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या एक्स रेस टू माइनस सेवन है, वहाँ पे पॉजिटिव था पावर, यहाँ पे क्या निगेटिव, इसको भी सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस सेवन, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस सेवन, तो माइनस सेवन को आगे लेंगे तो यह क्या माइनस सेवन इन टू एक्स रेस टू माइनस सेवन माइनस वन, सो ये क्या हो माइनस सेवन इन टू एक्स रेस टू माइनस एट, ये क्या हो इसका सिंगल डेरिवेटिव, अगेन हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ माइनस सेवन कॉन्स्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस एट, सो यहाँ हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सेवन एज इट इज इन टू, यहाँ पे एक्स रेस टू एन का फार्मूला लगे तो एन क्या होगा पीछे आएगा, सो माइनस एट ब्रैकेट एक्स रेस टू माइनस एट माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एट सेवन या फिफ्टी सिक्स एक्स रेस टू माइनस नाइन, तो यहाँ पे हमें मिला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फिफ्टी सिक्स एक्स रेस टू माइनस नाइन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।